Hello everyone. Today we will understand gross domestic product, which is one of the concept of calculating national income, and it is a part of our national income accounting and related concepts chapter of paper 3. So we'll understand what GDP is, how we will calculate GDP, what are the methods of calculating GDP, and most important things, the concepts relating to GDP. That is GDP at factor cost, GDP at market price, net domestic product, what is the difference between net domestic product, and all the formulas and calculations relating to GDP summed up in this video. So let's start. So in this video, we will study what is gross domestic product, what is net domestic product, what is difference between gross and net domestic product. There will be GDP at market price, GDP at factor cost, nominal GDP and real GDP, and what is GDP deflator. So these are the concepts relating to GDP, which is a part of our national income accounting. So first we'll understand what is gross domestic product. So in economics, we define gross domestic product as market value of final goods and services produced in domestic territory of the country during an accounting year. मतलब एक particular accounting year में कितने goods and services produce की गई है हमारी domestic territory में, मतलब within a country. उन सब की market value, उसको हम बोलेंगे GDP. अब GDP कैसे calculate की जा सकती है? GDP बेसिकली हमारे इकोनॉमिक्स में GDP को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं, एक प्रोडक्ट मेथड, एक इनकम मेथड और एक एक्सपेंडिचर मेथड. और इस प्रोडक्ट मेथड को हम बोलेंगे वैल्यू एडेड मेथड. सो इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. सो दीज 3 मेथड्स आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द फ्लो ऑफ इनकम इन इकोनॉमी. सो पहले प्रोडक्ट मेथड में हम क्या अज्यूम करते हैं, हम क्या कैलकुलेट करते हैं, टोटल प्रोडक्शन इन द कंट्री या टोटल वैल्यू एडेड इन द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. सो इफ इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर विद इन अ कंट्री कितना प्रोडक्शन हुआ या कितना वैल्यू एडेड किया हमारी सारी इंडस्ट्री ने मिलके, उसको अगर हम सम अप कर दें तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. फिर हम आते हैं इनकम मेथड में. इनकम मेथड इस कंसेप्ट पे बेस है कि टोटल प्रोडक्शन करने के लिए कंट्री में देर आर सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर यूज्ड. तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम है, टोटल इनकम, उसको अगर हम सम अप कर दें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा. बिकॉज प्रोडक्शन, टोटल सम ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन करेंगे तो भी GDP आएगा. और ये जो प्रोडक्शन है वो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इसकी वैल्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है. जैसे कि हमें पता है हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो होता है सैलरीज एंड वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट एंड रेंट. सो इन टोटल इनकम का जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्न करेंगे प्रोडक्शन से, अगर हम इनका सम कर दें तो भी हमें GDP मिल जाएगा. और तीसरा कंसेप्ट है एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलता है, ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर या ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर टोटल कंट्री में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, अगर हम उसको सम कर दें तो हमें GDP मिल जाएगा. सो वील अंडरस्टैंड हाउ वील अराइव एट GDP by using all these 3 methods. So friend, this is the flow of economy. इस flow में हम ये समझेंगे कि कुछ firms हैं, total sum of firms हैं, industry है, वो क्या कर रही हैं, वो कर रही हैं production. Production किस चीज़ का कर रही है? Goods और services का. किसके लिए कर रही है? Consumers के लिए. So फर्म्स ने प्रोडक्शन किया, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई किया हाउसहोल्ड्स को, और वी कैन से कंज्यूमर्स को. और कंज्यूमर्स ने इन गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे खरीदा? परचेज करके. तो उस परचेज करने में इन्होंने पे किया कुछ सम, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर एक्सपेंडिचर. और इनके पास ये खर्चा करने का पैसा कहाँ से आता है? यही हाउसहोल्ड इस इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हैं और इनको पैसा मिलता है इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, वेजेस, रेंट्स, डिविडेंड्स एक्सेट्रा, जो हमने बोला इनकम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है.
और यही हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री को. सो दिस इज एन एंटायर फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकॉनमी. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड्स टू इंडस्ट्री. इंडस्ट्री सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज. इंडस्ट्री को इसके बदले में मिलता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर. और हाउस होल्ड को काम करने के बदले में मिलता है वेजेस, रेंट्स, डिविडेंड्स एक्सेट्रा. सो इस कंसेप्ट पे बेस है हमारे ये तीनों मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी. तो सबसे पहले हम आते हैं प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड. तो एज आई हैव एक्सप्लेन अर्लियर ऑल्सो, वैल्यू एडेड मेथड कुछ नहीं है, हम टोटल प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का ड्यूरिंग एन ईयर, दैट इज ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर सम अप कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक आउटपुट ऑफ वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसको हम बोलेंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर बोल रहे हैं यहाँ पर. इसका मतलब है हमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लोजिंग बैलेंस को एक्सक्लूड करना है. तो जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब टोटल वैल्यू एडेड बाय ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ड्यूरिंग द ईयर, इज समड एंड कॉल्ड एज जीडीपी. सो लेट्स सी हाउ इट इज कैलकुलेटेड. अब हम बोलते हैं जीडीपी के लिए सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द इंडस्ट्री. इसके लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं, हम पहले निकालेंगे फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकॉनमी. बट ये जो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ये एक्चुअल वैल्यू एडेड नहीं है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर. इसमें क्या इंक्लूडेड है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज यूज विच आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को जब हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से माइनस करेंगे, तब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी वैल्यू एडेड, जिसको हम वैल्यू एडेड बाय ऑल इंडस्ट्रीज जब सम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड. और इस ग्रॉस वैल्यू एडेड को ही हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ शॉपकीपर सेल्स अ प्रोडक्ट फॉर ₹50 विच ही हैज परचेस्ड एट ₹20. तो इस केस में हम बोलेंगे उसका जो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज है, जो उसने इकॉनमी में सप्लाई किया है, वो 50 है और जिसको उसने परचेज किया है ₹20 में, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो उसका वैल्यू एडेड है इन इकॉनमी. तो इस वैल्यू एडेड को ही हम सम करके बोलते हैं जीडीपी. अब हम आते हैं इनकम मेथड में. इनकम मेथड, एज आई हैव एक्सप्लेन, इट इज अ सम ऑफ इनकम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एंड ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. सो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्न इनकम इन फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, जिसको बोलते हैं हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. इकोनॉमी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको जो भी सैलरी मिल रही है, जो भी वेजेस मिल रहा है, जो भी कंपनसेशन मिल रहा है, वो आता है वेजेस एंड सैलरीज में और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के हेड में. फिर सेकेंड है रेंट, दैट इज ऑल द इनकम रिसीव्ड बाय ओनर्स ऑफ रियल एस्टेट और ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी इन द इकॉनमी. इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ऑल द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द इकॉनमी. एंड देन देयर इज अ प्रॉफिट, प्रॉफिट इज अर्न बाय एंटरप्रेन्योर्स हु आर रनिंग द बिजनेस इन द इकॉनमी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच आर नॉट इंक्लूडेड इन वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, इज मिक्सड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. कुछ लोग हैं कंट्री में जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ऑन पेरोल्स नहीं है, जिनके पास जिनका इनकम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में नहीं आएगा, तो उनके जो इनकम है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज. इस सारी इनकम को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी जीडीपी बाय इनकम मेथड. प्रोवाइडेड ये सारी इनकम हमने कौन सी कैलकुलेट करनी है, ड्यूरिंग अ ईयर, मतलब इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम मिल रही है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, उसको ही सम करने पे आएगा जीडीपी. सो फ्रेंड्स, दिस इज इन पाई चार्ट डिनोटिंग अ नेशनल इनकम ऑफ एनी कंट्री, जिसमें सपोज 60% कॉन्स्टिट्यूशन है सीओई का, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, 20% है रेंट का, 15% है प्रॉफिट एंड 10% है इंटरेस्ट. और इनको सम कर दें अगर तो हमारे पास क्या आ जाता है, जीडीपी. और तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड. ये मेथड इस कंसेप्ट पे बेस्ड है कि इकोनॉमी में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर और ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है,
उसको अगर हम सम कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब एक्सपेंडिचर कैसे होता है और कौन कौन करता है? सबसे पहले तो हमने जैसे कि पढ़ा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होता है, तो कंज्यूमर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है उसमें जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसको हम डिनोट करते हैं सी से। फिर होता है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल, मतलब हमारी इकोनॉमी में जितना भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम डिनोट करते हैं आई से। तीसरा एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एक्सपेंडिचर करते हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज एक्सपेंडिचर करती हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए, उस एक्सपेंडिचर को हम सम करके डिनोट करते हैं जी से। और लास्ट कॉम्पोनेंट आता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द कंट्री। सो एक्सपोर्ट को हम लेते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब इम्पोर्ट्स को एक्सपोर्ट में माइनस कर देते हैं, जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, और उसको हम मानते हैं एज एन एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सो एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे अराइव होगा? सी, दैट इज एक्सपेंडिचर बाय कंज्यूमर्स। आई, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जी, एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट एंटिटीज। एंड नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। इट कैन बी दिस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट। इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो अगर हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं इम्पोर्ट्स कम है तो पॉजिटिव होगा, अगर हमें हमारे इम्पोर्ट्स कम हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है उस केस में नेगेटिव होगा। फ्रेंड्स, इस एक्सपेंडिचर मेथड में हमें दो चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है। सबसे पहली तो चीज़, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है इम्पोर्ट्स में उसको हमें डिडक्ट करना है, बिकॉज वो हमारी कंट्री का प्रोडक्शन नहीं है, वो किसी और कंट्री का प्रोडक्शन है जो जिसको परचेज करने में गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अवर का गवर्नमेंट ऑन इम्पोर्टेड प्रोडक्शन भी एक्सक्लूडेड। क्यों एक्सक्लूड करना है आपको समझ में आया? क्योंकि वो हमारी कंट्री का प्रोडक्शन नहीं है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, इम्पोर्टेड कंपोनेंट यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट गुड शुड बी एक्सक्लूडेड। तो जो एक्सपोर्ट्स होता है, नेट एक्सपोर्ट्स क्यों इंक्लूड करते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड में? हमारी कंट्री का प्रोडक्शन है वो, जो हम दूसरी कंट्री को सप्लाई कर रहे हैं और जिसपे हमारे कंज्यूमर्स या हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं कर सकती क्योंकि हमने बाहर सप्लाई किया है, तो इसलिए हम नेट एक्सपोर्ट को एज इट इज ऐड करते हैं। तो अगर उन एक्सपोर्ट में कुछ इम्पोर्टेड कंपोनेंट पहले से इंक्लूडेड है तो उसको भी हम वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स में से डिडक्ट कर देंगे। तो ये दो प्रिकॉशंस है जो हमें लेने हैं इन कैलकुलेटिंग जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। सो फ्रेंड्स, जल्दी से सम अप कर लेते हैं। हमने तीन मेथड्स पढ़े जीडीपी कैलकुलेशन के, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। इनकम मेथड में हमने पढ़ा हम सम ऑफ इनकम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेंगे, जो कि होता है वेजेस और सैलरीज, प्रॉफिट्स, रेंट एंड इंटरेस्ट। एक्सपेंडिचर मेथड में हमने पढ़ा हम सम ऑफ एक्सपेंडिचर्स लेंगे, जो हमारी इकोनॉमी में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हुआ है। एक्सपेंडिचर कौन करता है? कंजम्पशन। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में जो जितने एक्सपेंडिचर्स हैं वो आएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। और प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है? हम वैल्यू एडेड लेते हैं बाय ऑल सेक्टर्स इन आवर इकोनॉमी, जिसको हम मेनली तीन कैटेगरीज में बाइफरकेट करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। सो इन तीनों सेक्टर से जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करते हैं, टोटल वैल्यू एडेड आ जाती है, और ये सारे सेक्टर की वैल्यू एडेड ऐड करके जीडीपी आ जाती है। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम पढ़ेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड कितने कंसेप्ट हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। सबसे पहले आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो ग्रॉस और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है? डेप्रिसिएशन का। सो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में अगर हम ग्रॉस और नेट की बात करते हैं तो उन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो होता है डेप्रिसिएशन। सो जब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो हम उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। किसमें से? जीडीपी से। क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो हमारी कंट्री में कैपिटल इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है उसका वेयर एंड टीयर होता है, और मशीनरी या जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो ऑब्सोलीट होते हैं, तो इनका जो वैल्यू है वो हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से माइनस होना चाहिए, तो अराइव एट एक्चुअल फिगर ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, विच इज ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी। ठीक
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन और जो भी वेयर एंड टीयर है, जो भी वेयर एंड टीयर है इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, उसको माइनस करते हैं जीडीपी से, और एक और चीज़ माइनस करते हैं जीडीपी से जिसको हम डेप्रिसिएशन में ही इंक्लूड करते हैं, वो होता है वैल्यू ऑफ कैपिटल कंजम्पशन। मतलब अगर हमने अपना ही कोई प्रोडक्ट, जो हम सपोज हम पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो पावर अपनी ही प्रोड्यूस की हुई पावर हम अपने इक्विपमेंट्स में यूज़ कर रहे हैं, अपनी मशीन चलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, देन इट विल बी अ कैप्टिव कंजम्पशन। तो कैप्टिव कंजम्पशन को, कैपिटल कंजम्पशन को भी हम माइनस कर देते हैं टू अराइव एट जीडीपी। फिर हमारा अगला कंसेप्ट है जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो फ्रेंड्स, नेशनल इनकम में अगर एनडी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर, कोई भी एक कंसेप्ट एट फैक्टर कॉस्ट है और एट मार्केट प्राइस है, उन दोनों में डिफरेंस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सो हम बोलते हैं अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे और सब्सिडीज प्लस करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे, हम ये बोलते हैं जो हम टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेट करते हैं वो हमारा टोटल वैल्यू एडेड होता है, बट उसमें क्या इंक्लूडेड होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और क्या नहीं इंक्लूडेड होता है, सब्सिडीज, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस टोटल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट नहीं है, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस टोटल इनकम बाय गवर्नमेंट नहीं है, उसमें से गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज सब्सिडीज भी देती हैं, तो उस सब्सिडीज को इनडायरेक्ट टैक्सेस में से माइनस करेंगे और फिर उसको जीडीपी एट मार्केट प्राइस में माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट निकालना है जिसमें हमें जीडीपी एट मार्केट डैश 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 एट मार्केट प्राइस डैश एट फैक्टर कॉस्ट, उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंड अनदर मेथड इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड निकाला, क्योंकि नेट वैल्यू एडेड में इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज नहीं होती हैं, और उसमें डिप्रिसिएशन ऐड कर दिया, मतलब नेट में डिप्रिसिएशन ऐड किया तो वैल्यू आ गई ग्रॉस की, वो होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बट देयर इज वन मोर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी जितने भी डोमेस्टिक फैक्टर्स इनकम है, मतलब हमारे जितने भी डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी जो इनकम है, प्लस डेप्रिसिएशन और कैपिटल कंजम्पशन, इन सबको अगर हम प्लस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट। इस केस में जी डी पी एट मार्केट प्राइस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हम सम ऑफ प्रोडक्शन, सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पर। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, सम ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज होता है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज इंक्लूडेड होता है, बट और हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में भी जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसमें भी टैक्सेस इंक्लूडेड होता है, बट जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो इनकम हो रही है उसमें टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं होता है। तो अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल रहे हैं, अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल रहे हैं बाय इनकम मेथड, उस केस में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमने सारे फैक्टर इनकम्स को ऐड किया और उसमें कैपिटल कंजम्पशन और डेप्रिसिएशन भी ऐड कर दिया, हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो हमने पहले भी पढ़ा है फैक्टर इनकम में क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब सैलरीज वेजेस एंड अदर काइंड ऑफ कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट, एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला देख लीजिए, बिकॉज इन एग्जाम दे मे आस्क कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। सो अगर आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड दिया है एट फैक्टर कॉस्ट, उसमें आप माइनस करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज और आप माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, उसमें आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। सो फ्रेंड्स, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस में डिफरेंस होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस का और सब्सिडीज का। सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है और सब्सिडीज बाय द गवर्नमेंट एक्सक्लूड होता है। सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अराइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस करना पड़ेगा और सब्सिडीज प्लस करनी पड़ेगी। अब एक अलग कंसेप्ट आता है जीडीपी में, वो होता है रियल जीडीपी। तो हम जीडीपी जब कैलकुलेट करते हैं वो रियल जीडीपी नहीं होता है, और रियल जीडीपी क्यों कैलकुलेट करना है, टू अराइव एट रियल पिक्चर ऑफ इकोनॉमी। सो
जरूरी नहीं है हम जो जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं विद सम ऑफ ऑल वैल्यू एडेड, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, इनकम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर्स, इट मे नॉट बी ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी. लेट्स सी हाउ. तो जीडीपी को जब हम मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं क्या, करेंट प्राइस में, और उसको बोलते हैं जीडीपी एट करेंट प्राइसेस और मार्केट प्राइसेस, और जिसको हम यहाँ पर सम करते हैं एज अ नॉमिनल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी में प्रॉब्लम क्या होती है, जब जीडीपी एक पर्टिकुलर ईयर की इंक्रीज हो सकती है विदाउट एक्चुअल इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड इकोनॉमी, विदाउट एक्चुअल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. कैसे, बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइजेस. सो हम जब वैल्यू एडेड को या एक्सपेंडिचर्स को मार्केट प्राइस में सम करते हैं टू अराइव एट जीडीपी, उसमें प्राइस इंक्लूड करते हैं करंट प्राइस, और वो करंट प्राइस में इन्फ्लेशन इंक्लूड हो सकता है, और वो इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी बिना वजह राइज करेगा विदाउट एक्चुअल राइज इन प्रोडक्शन एंड इकोनॉमी, बिकॉज रुपी इज नॉट स्टेबल मेजर ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ इकोनॉमी. देयरफॉर हमें नीड आती है रियल जीडीपी कैलकुलेट करने की. हम एक पर्टिकुलर ईयर को बेस मानते हैं और उसको हम बोलते हैं बेस ईयर. वो ईयर कौन सा होता है जिसमें हम जो प्राइजेस होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, ना ज़्यादा हाई होंगे ना ज़्यादा लो होंगे, उस ईयर को बेस मानते हैं. एंड उस ईयर को बेस मान के करेंट प्राइजेस का इंडेक्स निकाल लेते हैं, और इंडेक्स निकालने के बाद उसकी जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करते हैं बेस ईयर इंडेक्स. तो जीडीपी, रियल जीडीपी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर ईयर को जिसमें प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, वो स्टेबल ईयर है, उस ईयर को बेस ईयर मानते हैं, और उस ईयर के जो प्राइजेस हैं उसको हम बेस प्राइस मानते हैं, और हमारे करंट प्रोडक्शन को बेस प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं. उससे हमें मिल जाता है वैल्यू ऑफ रियल जीडीपी. रियल जीडीपी को हम बोलते हैं जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस. अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, जब वन सबसे पहले हमने बेस ईयर चूज़ किया, बेस ईयर चूज़ करने उस ईयर को चूज़ किया यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल नॉर्मल रहेगा, उस बेस ईयर के प्राइसेस को हमने 100 या 1 मान लिया. अब जीडीपी करंट ईयर का जो आया उसको बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई किया और करंट ईयर इंडेक्स से डिवाइड कर दिया. बेस ईयर को 100 डिवाइडेड बाय करंट ईयर इंडेक्स, बेस ईयर इंडेक्स और करंट ईयर इंडेक्स को डिवाइड करके जीडीपी फॉर करंट ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया. इससे क्या हुआ, हमारी जीडीपी जो करंट ईयर की थी वो बेस ईयर के बेसिस पे नॉर्मलाइज हो गए, और हमें पता चल गया हमारी एक्चुअल ग्रोथ कितनी हुई है इकॉनमी में. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ जीडीपी इज जीडीपी डिफ्लेट. कोई नॉर्मल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए जो वैल्यू यूज होती है उसको हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर. सो इट कैन बी डिफाइंड एज एन इंडेक्स ऑफ प्राइस चेंजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन जीडीपी. मतलब रियल और नॉमिनल जीडीपी में यही डिफरेंस है कि जो प्राइस चेंजेस है वो एक्सक्लू एलिमिनेट करते हैं नॉमिनल जीडीपी से टू अराइव एट रियल जीडीपी, एंड दैट इंडेक्स इज कॉल्ड डिफ्लेटर, एंड इट इज कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग नॉमिनल जीडीपी इन अ गिवन ईयर बाय अ रियल जीडीपी फॉर अ सेम ईयर एंड देन मल्टीप्लाइंग इट बाई 100. सो दिस कैलकुलेशन में ऑल्सो कम इन योर एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ जी डी पी डिफ्लेटर. नॉर्मल जी डी पी डिवाइडेड बाई रियल जी डी पी मल्टीप्लाइड बाई 100, एंड जी डी पी डिफ्लेटर इज नथिंग बट एन इंडेक्स ऑफ प्राइस चेंजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज इंक्लूडेड इन जी डी पी. वी यूज जी डी पी डिफ्लेटर एज अ मेकेनिज्म टू डिफ्लेट जी डी पी टू अराइव एट रियल जी डी पी. सो थैंक यू फ्रेंड्स. I hope you understood the concept of GDP. For starting preparation, just subscribe to my channel CS Ab Initio.